नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के कॉर्नर वीडियो में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में फूड एडिटिव्स के बारे में बताया था और कुछ फूड एडिटिव्स के एग्जांपल दिए थे। आज उसी वीडियो के पार्ट टू में मैं आपको कुछ और फूड एडिटिव्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फूड साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फूड और फूड के बीच जो साइंस होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला फूड एडिटिव है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर E900 से लेकर E999 के सीरीज में डिनोट किया जाता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के पीछे अगर उसमें यूज़ किया गया है। ये हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जिसमें हमको लो कैलोरी फूड चाहिए होता है या फिर पर्सन डायबिटिक होता है। इससे क्या होता है कि फूड में स्वीटनेस भी आती है और इसमें कैलोरीज भी ऐड नहीं होती। इसके एग्जांपल्स है एस्पार्टेम, सुक्रलोज और सैकेरिन। ये ऐसे फूड एडिटिव्स या फिर ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिससे कि हमको स्वीटनेस भी मिलती है और इसमें कैलोरीज भी नहीं होती। नेक्स्ट फूड एडिटिव है बल्किंग एजेंट। ये बल्किंग एजेंट हेल्प करता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसका वॉल्यूम या फिर वेट बढ़ाने में बिना उसके टेस्ट को चेंज किए बगैर या फिर उसका कोई अपीयरेंस चेंज किए बगैर। इसके एग्जांपल्स है पोटेशियम बाइटार्ट्रेट या फिर अल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट या फिर अल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट फूड एडिटिव है ग्लेजिंग एजेंट। ग्लेजिंग एजेंट भी E900 से लेकर E999 के सीरीज से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर डिनोट किया जाता है। अब ये हेल्प करता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर एक शाइन लाने के लिए, शाइनी कोटिंग लाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कार्कोबा वैक्स। ये यूजुअली हम कैडबरी जर्म्स के ऊपर यूज करते हैं जिससे कि उसको एक शाइन मिले। नेक्स्ट फूड एडिटिव है फूड एसिड। ये फूड एसिड हेल्प करता है हमारे फूड प्रोडक्ट में पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए, या फिर इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी इससे सारी टेस्ट भी डेवलप किया जाता है जिससे कि हमें फूड प्रोडक्ट में टैंगी या फिर सार टेस्ट मिलता है। इसके एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड। नेक्स्ट फूड एडिटिव है फ्लेवर एनहेंसर। ये हमारे फूड में जो नेचुरल फ्लेवर है उसको एनहेंस करने में मदद करता है या फिर अलग से ही अपना खुद का फ्लेवर ऐड करता है। इसके एग्जाम्पल है MSG, IMP और GMP। MSG है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर ये आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट फूड एडिटिव है फोमिंग एजेंट। फोमिंग एजेंट हमारी मदद करता है किसी भी फूड में एयर को पूरी तरीके से मिक्स या फिर इनकॉर्पोरेट करने में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक जो हम रेगुलरली पीते हैं, और आइसक्रीम्स में भी फोमिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। वैसे ही मार्केट में जो भी केक्स मिलते हैं उसमें जो व्हिपिंग क्रीम डाला जाता है उसमें भी फोमिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा फूड एडिटिव्स के बारे में। ऐसे ही फूड और फूड के पीछे जो साइंस है उसे सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को। धन्यवाद।